हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मैंने फार्मूला क्या बताया था आपको लोगों को, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर मैंने यूनिट की बात किया रिलेटिव डेंसिटी का, यूनिट का, तो रिलेटिव डेंसिटी कैसा होता है, यूनिट लेस होता है। कैसा होता है बच्चा लोग, यूनिट लेस होता है। कैसा होता है, यूनिट लेस होता है। ओके, ये होता है रिलेटिव डेंसिटी। अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि, अब ध्यान से देखें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी हमने दे दिया किसी सब्सटेंस का, पूछ लिया उसका डेंसिटी, उसका डेंसिटी एसआई यूनिट में, उसका डेंसिटी सीजीएस यूनिट में, तो कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चंस के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 5, देन कैलकुलेट इट्स डेंसिटी इन सीजीएस सिस्टम। इट्स डेंसिटी इन सीजीएस सिस्टम। तो रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया हुआ, 5 इज इक्वल डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। हमको क्या निकला, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या देगा, 5 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ध्यान से देखें हमको कैसे में निकालना है, सीजीएस सिस्टम में। तो डेंसिटी ऑफ वाटर ये तो यूनिटलेस है, डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग किस में रखेंगे, सीजीएस यूनिट में। तो सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है बताओ, 1 होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा बच्चा लोग, आंसर हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, आंसर। अगर मैं पूछता कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 5, देन कैलकुलेट इट्स डेंसिटी इन एसआई सिस्टम। तो हम लोग क्या रखते, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या लिखता मैं, रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी कितना था, 5। अगर मुझे एसआई सिस्टम में चाहिए होता तो डेंसिटी ऑफ वाटर में किस सिस्टम में लिखता, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में कितना होता है बोलो 10^3 kg पर मीटर क्यूब। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 × 10^3 kg पर मीटर क्यूब। ओके, आंसर नोट कर लो फटाक से, मिटाओ इसको। यस सर, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं आप लोगों से। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 2.5, देन इट्स डेंसिटी इन एसआई सिस्टम विल बी ऑप्शन ए 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी 2.5 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी 2500 केजी पर मीटर क्यूब, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। चलो फटाक से बता दो किस सिस्टम में बच्चा, एसआई सिस्टम में क्या होगा यूनिट, फटाक से बता दो फटाफट बिना लेट किए हुए। चलो देखते हैं, तो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो 2.5 इज इक्वल टू क्या जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या जाएगा यहाँ से, 2.5 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अब अगर हमें एसआई में चाहिए तो डेंसिटी ऑफ वाटर एसआई सिस्टम में रखेंगे, अगर सीजीएस में चाहिए तो डेंसिटी ऑफ वाटर सीजीएस में रख देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, आंसर। तो कितना जगह से 2.5 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर एसआई में कितना होता है, 10^3 केजी पर मीटर क्यूब। तो कितना जगह से 2500 केजी पर मीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, चलो ऑप्शन डी इज करेक्ट नोट कर लो। चलो मिटाए,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज वन रिलेटिव डेंसिटी सॉरी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 1.5 देन इट्स डेंसिटी इन CGS सिस्टम विल बी ऑप्शन ए 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी 1500 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी 1500 केजी पर मीटर क्यूब, ऑप्शन डी 1.5 केजी पर मीटर क्यूब, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। चलो फटाक से बता दो कौन सा करेक्ट होगा, फटाफट बिना लेट किए हुए फटाफट। चलो तो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्या पूछा है, सीजीएस में पूछा, तो डेंसिटी ऑफ सॉरी रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी कितना 1.5, ये तो यूनिटलेस होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना है तो 1.5 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब हमको किस सिस्टम में चाहिए, सीजीएस में, तो डेंसिटी ऑफ वाटर सीजीएस सिस्टम में रखेंगे। अगर एसआई में चाहिए होता तो डेंसिटी ऑफ वाटर वो एसआई में रखते, तो कितना आ जाएगा 1.5, सीजीएस में कितना होता 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना जाएगा 1.5 इंटू 1 कितना आएगा 1.5 ही आएगा, तो यह आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नोट कर लो फटाक से, चलो बताता हूँ मैं। नेक्स्ट देखें, मान लेते हैं डिटरमिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड डिटरमिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। देखें कैसे डिटरमाइन करेंगे, मान लेते हैं अपने पास ये कोई सॉलिड है, इसका वॉल्यूम तो वैसे हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, मास इसका लेकिन हमको पता है ना, इसका रिलेटिव डेंसिटी निकालना, या सिंपल अगर इसका रिलेटिव डेंसिटी निकाले इसका डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे बोलो, ये कोई बॉडी है या कोई सब्सटेंस, इसका हम लोगों को रिलेटिव डेंसिटी निकालना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, मास इसका पता है, अगर इसका वॉल्यूम पता चल जाता तो हमको निकल जाता, इसका डेंसिटी हम लोग निकाल लेते, फिर वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देते तो हमको क्या मिल जाता, रिलेटिव डेंसिटी मिल जाता। लेकिन अब इसका मास तो पता है, वेट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन क्या वॉल्यूम इसका हम लोग निकाल पाएंगे आसानी से, नहीं, तो टेढ़ा मेढ़ा शेप का है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, एक पानी लाते हैं इसको, वाटर, हमको रिलेटिव डेंसिटी निकालना है ना, तो क्या करते हैं वाटर लाते हैं, इसके वेट को हम लोग एयर में मेजर कर सकते हैं, हाँ सर, तो बहुत आसानी से स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर लेंगे, है ना। उसके बाद इसके वेट को हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से क्या करते हैं, किसमें मेजर कर लेते हैं बच्चा, इसके जो इसका जो वेट है ना, इसका वेट हम लोग किसमें मेजर कर लेते हैं, वाटर में, वेट इन वाटर, ठीक है, वेट इन वाटर। स्प्रिंग बैलेंस से टांग के वाटर में मेजर कर लिया, भाई यहाँ पे हमने एयर में मेजर कर लिया स्प्रिंग बैलेंस से टांग के, यहाँ पे हमने इसको वाटर में डुबो के मेजर कर लिया है ना स्प्रिंग बैलेंस से वेट, तो हमको क्या पता चल गया, वेट ऑफ बॉडी इन एयर पता चल गया, वो हमने कितना माना, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, और हमको क्या पता चल गया, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। क्या इसी को अपेरेंट वेट कहते थे, हाँ सर बिल्कुल, इसी को तो अपेरेंट वेट कहते थे, तो ये हम लोग बोल सकते हैं अपेरेंट वेट, ये पता चल गया कितना, वेट इन वाटर या वेट इन लिक्विड, अगर हम लोग वाटर नहीं लेते हैं तो लिक्विड ले सकते हैं, वेट इन लिक्विड जो भी बोलना। तो अब मेरे को बताओ क्या मुझे बायोंट फोर्स भी पता चल गया, हाँ सर, बायोंट फोर्स कितना आ जाएगा बोलो भैया, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट क्या यहाँ पे,
वेट इन वाटर, यही ना है, वेट इन वाटर यही ना है। हाँ सर, ये तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था। तो अब मेरे को बताओ रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस रो एस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मैंने क्या किया इस इक्वेशन में, v इंटू जी से मल्टीप्लाई कर दिया, v इंटू जी से मल्टीप्लाई कर दिया, जहां पे v क्या था, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो अब मेरे को बताओ क्या बॉडी लिक्विड के अंदर कंप्लीटली सबमर्ज है? हाँ सर। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट। तो हमारे हम यहां से क्या ले सकते हैं, रो एस इंटू वी एस इंटू जी डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू इंटू वी एल इंटू जी। ये वी एल क्या हम लोग यहां से बता सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस लिक्विड। ये क्या है, वी एस क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। वी एल क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। और क्यों दोनों इक्वल क्यों होंगे भैया, यहां से हमने इक्वल लिखा है, क्यों इक्वल लिखा है, क्योंकि बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज है, यानी कि बॉडी का पूरा वॉल्यूम सबमर्ज है, तो जितना वॉल्यूम उसका सबमर्ज है उतना ही तो डिस्प्लेस होगा लिक्विड। आपने बताया था सर, हाँ, तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब मेरे को बताओ ये चीज क्या है, रो एस इंटू बी एस डेंसिटी इसका, इसका वॉल्यूम क्या दे देगा, मास ऑफ द बॉडी, और मास को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट। तो ये क्या है, वेट ऑफ दिस बॉडी इन एयर डिवाइडेड बाय, ये किस चीज क्या है, बायोंट फोर्स। देख डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इनटू जी, ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वो बायोंट फोर्स होता है, बायोंट फोर्स। और बायोंट फोर्स को हम लोग क्या ले सकते हैं, यहां से बोलो, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। यहां से हमें क्या मिल गया, रिलेटिव डेंसिटी, खटाक से यों। ठीक है, आप लोग इस फार्मूले को याद रखें, ओके, नोट कर लो। मैं थोड़ा सा इजी वे में लिख देता हूँ रिलेटिव डेंसिटी, काफ़ी सिंपल वे में भाई सब कुछ, बहुत ही सिंपल वे में है ना, बहुत ही सिंपल वे में आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। तो हम लोग क्या निकालेंगे, किसी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी निकाल लो, इज इक्वल टू क्या जाएगा, वेट ऑफ बॉडी इन एयर बाई वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। या इसको हम लोग, ये चीज क्या है, बायोंट फोर्स, जब बॉडी को कंप्लीटली सबमर्ज किया गया था तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं, वेट ऑफ बॉडी इन एयर बाई बायोंट फोर्स। आपको जैसे याद रखना है वैसे याद रख सकते हैं ये फार्मूला, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी पता चल गया तुमको, बॉडी का डेंसिटी पता चल जाएगा, आप लोग अपने घर पर भी एक्सपेरिमेंट को आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। चलो एक दो क्वेश्चंस करते हैं फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलो क्वेश्चन क्या है, वेट ऑफ अ बॉडी इन एयर इज 20 न्यूटन एंड इट्स वेट इन वाटर इज 15 न्यूटन, then relative density of the body is option A 1, option B 4, option C 2, option D none of these। relative density का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, फटाक से बता दो फटाफट। तो चलो देखते हैं, वेट ऑफ बॉडी इन एयर दिया हुआ है कितना 20, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर दिया हुआ कितना 15, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इस फॉर्मूले में रखें, वेट ऑफ एयर कितना 20 बाई वेट ऑफ एयर 20 माइनस 15 कितना आ जाएगा 20 बाई 5 इज इक्वल टू 4, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा अगर मैं डेंसिटी पूछता SI सिस्टम में तो अब क्या निकाल लेते आप लोग, हाँ सर निकाल लेते, फटाक से नोट कर लो कैसे निकाल लेते। अच्छा ध्यान से देखो, अब रिलेटिव डेंसिटी हमको पता चल गया ना 4,
तो मैं पूछूं कि डेंसिटी ऑफ बॉडी बताओ एसआई सिस्टम में, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या जाता है रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो रिलेटिव डेंसिटी है 4 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब अगर हमें एसआई में चाहिए तो एसआई में रख देते, सीजीएस में चाहिए तो डेंसिटी ऑफ वाटर सीजीएस में रख देते तो हमको आंसर मिल जाता। मान लो हमको एसआई में चाहिए तो 4, अब एसआई में इसका यूनिट क्या होता है 10^3 केजी पर मीटर क्यूब, तो हमारा एसआई सिस्टम में क्या जाता 4 × 10^3 केजी पर मीटर क्यूब, ये उसका डेंसिटी हो जाता। अगर सीजीएस में चाहिए होता तो इसको मैं सीजीएस में रखता 1 रखता तो क्या जाता डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 4 × 1 g/cm³, तो क्या जाता 4 g/cm³। ओके नोट कर लो फटाक से। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इज 2 इफ इट इज सबमर्ज्ड इन वाटर देन बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी, ओके ब्रैकेट में दिया मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी इज 5 kg। चलो ऑप्शन दे दूं मैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 50 newton, ऑप्शन बी 25 newton, ऑप्शन सी 10 newton, ऑप्शन डी None of these। फटाक से बता दो, फटाक से बिना लेट किए हुए, बिना लेट लतीफ किए हुए फटाफट बता दो। चलो फटाक से बताओ। चलो देखते हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी हमने क्या बताया था, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर बाय बायोंट फोर्स, यही ना बताया था। रिलेटिव डेंसिटी 2 है, वेट ऑफ बॉडी इन एयर कितना जाएगा, मास दिया हुआ जिसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट मिल जाएगा, तो कितना जाएगा 50 बाय बायोंट फोर्स, तो यहाँ से बायोंट फोर्स कितना जाएगा 50/2 = 25 newton। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप फार्मूले याद रखें, बाकी ये चैप्टर अभी आपका कम्प्लीटली फिनिश्ड हो चुका है। ओके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से क्या स्टार्ट करेंगे, वर्क पावर एंड एनर्जी। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से अपने एग्जाम दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू।